हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मकान को ध्वस्त कर आशियाने से किया बेघर, पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जिले के सोमेश्वर गांव से आए एक पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर अंशदीप को बुधवार ज्ञापन सौंप बताया कि पटवारी एवं तहसीलदार ने मिलीभगत करते हुए उनके पक्के आशियाने को तोड़ दिया, जिस वजह से वो बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि सोमेश्वर गांव में पिछले 20 वर्षों से पक्के मकान बनकर निवास कर रहे थे। इन मकानों के पट्टे के लिए पंचायत में पत्रावली भी पेश की, जिसकी रसीद उनके पास है, लेकिन कुछ समर्थ लोगों की वजह से पटवारी एवं तहसीलदार ने उनके पक्के आशियाने को जेसीबी से तोड़कर ध्वस्त कर दिया, जिस वजह से अब बेघर हो गए। वे निर्धन परिवार से हैं, जिस वजह से अपना आशियाना बनाने में असमर्थ हैं। इस तरह उन पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है, कार्रवाई कर उन्हें राहत प्रदान करें। इस मौके पर जसाराम मोहनलाल सुरेश ओम प्रकाश ताजिया कैलाश समेत कई लोग मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित जसाराम इन्होंने ये कहा। क्या हो? देखो हमारे साथ बाउंड्री रहती ने दरवाजा लागोड़ा था, ये गिरा दिया ने उन्होंने, जो सेंटर रहता जो बटा जैसी भी घुमाई ने हमारे आस पड़ोस की जितनी दीवार रहती ये लोग सब माते मतलब जैसी भी चले सा। कौन चले? पटवारी हमारा पटवारी और सरपंच मिलने। क्यों? कौन से गांव? प्रशासन आते हैं तो सर। कौन से गांव? ये सोमेश्वर गांव की है सर। क्यों, क्या हुआ, क्या था? वहाँ क्या अतिक्रमण हटाने आए थे, वहाँ पे हम 35-40 साल से रहे, मकान बनाए हुए हैं। आपके पास क्या दस्तावेज है? वहाँ दस्तावेज तो हमारे BPL की लाइट लगी हुई है, वहाँ का राशन कार्ड बना हुआ है और क्या है? पट्टे की रसीदें हैं। पट्टे की रसीदें हैं और क्या है सर, पट्टे तो हमारे को बना के देते नहीं है। 14 दिनों के पट्टे बने हुए हैं, आस पास में पट्टे बने हुए हैं, पास पड़ोस में। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।